मेरा नाम थॉमस है और ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8 साल का था। उस समय मैं एलिमेंट्री स्कूल में था और हम हिस्ट्री में विक्टोरियन युग के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही बकवास लग रही थी। हमारे हिस्ट्री टीचर के पास एक विक्टोरियन फैमिली ट्री की फोटो थी, जिसे वो हमारी क्लास के दीवार पर लटका रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमें किसी के फैमिली हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, मेरा मतलब हमें इससे क्या फायदा। ये सब सोच के मैं जोर से हंसने लगा। तभी मेरा हिस्ट्री टीचर पीछे घूमा और बहुत ही गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। उसके सर की नसें गुस्से से लकीरों की तरह साफ दिख रही थी और वो गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके बोला, हे लड़के, तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? ये बहुत अजीब था। मैं बहुत डर गया और बोला, कुछ नहीं। देर रात जब मैं अपने बेड पे सोने के लिए गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं बेड पे इधर उधर करवटे बदल रहा था और कुछ मिनट्स के बाद फाइनली मुझे नींद आ गई। लेकिन ये नींद ज़्यादा टाइम की नहीं थी। करीब 1 घंटे के बाद मेरी नींद फिर खुल गई। मैंने अपना फ़ोन देखा तो पता चला कि अभी आधी रात हो रही है। अचानक मैंने सुना कि बाहर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा ये मेरे नेबर्स होंगे। फिर मैं अपनी विंडो से बाहर देखने गया कि बाहर क्या हो रहा है, और वहां जाके जो मैंने देखा उसके बाद मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वहां गार्डन के बीचों बीच दो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को लात, घूसे और डंडे से बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। वो पेरेंट्स और वो बच्चा अपने हुलिये और कपड़ों से विक्टोरियन युग के लग रहे थे। ये सब देख के मैं बहुत ही कंफ्यूज था। ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं और ये अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह से क्यों पीट रहे हैं, और इन्होंने इस जमाने में ऐसे कपड़े क्यों पहने। तभी अचानक उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वो बहुत डरावनी तरह से जोर जोर से हंसने लगी। मैं उससे काफी डरने लगा। फिर वो अपनी फिंगर की हेल्प से आसमान की तरफ कुछ दिखाने लगी और उसके बाद वो फैमिली अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। उस रात मैं बहुत बुरी तरह से डर चुका था और मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया और सोचने लगा, मैंने जो क्लास में हरकत की थी ये सब शायद इसी वजह से हुआ है। और उस दिन के बाद मैंने कभी किसी टीचर का मजाक नहीं।